एक और अमल जिसके जरिए बंदा अपने आप को मुसीबतों से नजात दिला सकता है, मुसीबतों से अपने आप को बचा सकता है, वालिदैन की इताअत, वालिदैन की फरमा बरदारी, वालिदैन को खुश रखना, वालिदैन से बेहतर सलूक करना, उनकी समोताअत करना, उनकी खुशी का ख्याल रखना, उन्हें कभी न रुलाना, उन्हें कभी तकलीफ ना देना, ये वो अमाल है कि जिसके जरिए अल्लाह ताला आई मुसीबतों को टाल देते हैं, मुसीबतों से बंदों की हिफाजत कर लेते हैं। और यही वो वालिदैन हैं जो जब खुश होकर के बंदे से अपनी औलाद से अल्लाह के दरबार में हाथ उठाएं तो अल्लाह ताला उनको उनके हाथों को भी खाली हाथ लौटाते नहीं हैं, उनके बेटों के हक में की गई दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करते हैं। वालिदैन की इताअत, वालिदैन की फरमाबरदारी मुसीबतों से नजात का एक बेहतरीन जरिया है। एक बड़ा मशहूर वाकया है जिसको इमाम बुखारी ने सही बुखारी में जिक्र किया, आप में से अक्सरों ने सुना भी होगा कि पिछले जमाने का वाकया है कि कोई तीन साथी मिलकर कहीं जा रहे थे, तेज बारिश हुई, जाकर के किसी गार में पनाह ली। मुकद्दर यह था कि जब वो गार से पनाह लेकर के वापस निकलने लगे तो क्या देखते हैं कि एक बड़ी से चट्टान वजनी पत्थर आकर के गार के मुंह को बंद कर चुका है, अंदर आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। मशहूर वाकया है। अब उन लोगों को अपनी सिवाय मौत के और कोई चारा नजर नहीं आया, सिवाय मौत के और कोई राह नजर नहीं आई कि बस उनके हक में मौत लिखी है, उस चट्टान को हटाने की ताकत नहीं है, बहुत बड़ी चट्टान है, बड़ा पत्थर है। उन लोगों ने कहा कि अब अगर कोई चीज बचा सकती है तो अल्लाह से दुआ और नेक आमाल हमें बचा पाएंगे, अल्लाह से दुआ और नेक आमाल हमें बचा पाएंगे। उन तीनों ने एक दूसरे से यही कहा कि हम में से हर कोई किसी नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करे ताकि अल्लाह ताला हमें यहां से नजात दे। तीनों ने एक एक करके दुआ की, हुआ है कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल की और अल्लाह ताला ने किसी जरिए से उस पत्थर को हटा दिया और तीनों सही सलामत गार से बाहर निकल आए। उन तीनों ने जो दुआएं मांगी उनमें से एक दुआ मांगने वाला ये अल्लाह से कहने लगा कि ऐ अल्लाह, मैं अपने वालिदैन का बड़ा फरमा बरदार था, मेरा तरीका यह था रोजाना कि मेरे वालिदैन बड़े बुजुर्ग थे, बूढ़े हो चुके थे, मैं बकरियों को चराते हुए निकल जाता पहाड़ों में दूर, फिर शाम को वापस आता, आकर के बकरियों का दूध अपने वालिदैन को पिलाता और वो सुकून से सो जाते। कहते हैं एक मर्तबा मैं अपने बकरियों को लेकर के निकला, ताखीर हो गई पहुंचने में, वापस पहुंचने में ताखीर हो गई। वापस आके बकरियों का दूध दोहकर जब अपने वालिदैन के पास मैं पहुंचा तो देखता हूं कि दोनों की नींद लग चुकी है, दोनों सो चुके हैं। तो बजाय इसके कि मैं उन्हें जगाऊं, मुझे महसूस हुआ कि उन्हें नींद में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनके नींद में खलल मुझे नहीं डालना चाहिए। तो कहते हैं कि मैं दूध लेकर के उनके कदमों में पहुंचा, वहीं पर ठहरा रहा। मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, वो मेरे कदमों के पास पहुंच गए, वो भूख से तड़प रहे हैं, वो प्यास से तड़प रहे हैं और मैं वालिदैन के इंतजार में हूं कि वालिदैन जाग जाए तो उन्हें मैं पिला दूं। ये मेरा हमेशा का तरीका रहा, रोजाना वालिदैन की मैं ऐसे ही खिदमत करता रहा, वालिदैन की मैं हमेशा समोताहत करता रहा। ऐ अल्लाह, अगर ये वालिदैन की खिदमत वाला अमल, वालिदैन की फरमा बरदारी वाला अमल अगर तुझे पसंद है तो इस अमल का वास्ता मैं देकर तुझसे दुआ करता हूं ऐ अल्लाह कि तू इस अमल के जरिए इस आई मुसीबत को मुझसे हटा दे, इस आई मुसीबत को अल्लाह तुम उससे हटा दे। हुआ ये कि अल्लाह ताला ने दुआ बंदे की कबूल की और उस पत्थर को वहां से हटा दिया और तीनों बाहर निकल गए। अल्लामा इब्ने हजर रहमहुल्लाह और दूसरे जितने शारहीन हदीस हैं इस हदीस की शरह में यही फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपने वालिदैन का फरमा बरदार हो, उनकी इताअत करे, उनको खुश करे,
انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ان کی خدمت کرے، تو اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں سے اس کو بچا لیتا ہے، مصیبتوں سے اس کی پناہ کے اعمال ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ خدمتیں، یہ والدین کی فرما برداری مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے یاد رکھے، جنت کے دروازے موجود ہیں، جنت کے حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ موجود ہے۔ خدمت کریں، اطاعت کریں، ان کی بات مانیں، کبھی ان کے خلاف ورزی نہ کریں، کبھی پلٹا کے جواب نہ دیں، کبھی ان سے بدتمیزی نہ کریں، کبھی ان سے بدسلوکی نہ کریں، ان کی بات قبول کریں، ان کی فرما برداری ہمیشہ اپنی عادت بنائے رکھیں۔ یہ آپ کی زندگی میں پتہ نہیں کب کام آ جائے، مصیبتوں سے نجات کا کب ذریعہ بن جائے، ہمیں نہیں پتا۔ تو معزز حاضرین، یہ وہ ذخیرے ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں کہ بندہ اگر اس کو اپنی زندگی میں کر کے رکھ لے، اس کی عادت ڈال لے، تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، مصیبتوں سے نجات کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، والدین کی فرما برداری بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف آیتوں میں اپنی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر کیا ہے تو والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کا بارہا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ اعمال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ ان اعمال کو بندہ اگر کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کی مصیبتوں سے حفاظت کر لیتے ہیں، چاہے مصیبتیں آنے والی ہوں چاہے مصیبتیں آ گئی ہوں، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظتیں کر لیتے ہیں۔